ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में मतदान की अपील की। मंच से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। यूपी में कोई जमीन लेने से डरता था, माफिया उस पर कब्जा कर लेते थे। गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे, दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। ये दोनों शहजादे अफवाह उड़ाते हैं कि यूपी की 80 सीटें जीत रहे हैं। मैं सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाएगी। हमारा देश 500 सालों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है। एक और इंडी के नेता ने कहा कि राम मंदिर अपवित्र है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहते हैं। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाकर रामलला को टेंट में भेजना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी। हमारे बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी के पास ऋतु गंगेले निवासी राजगढ़ का पैतृक घर है, जो काफी समय से खाली पड़ा है। ऋतु मंगाली अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जनपद के बाहर गई हुई थी, तभी मौका पाकर कुछ दबंगों ने उनके घर का ताला तोड़कर घर का सारा सामान गायब कर दिया और सोने घर पर कब्जा कर लिया। ऋतु गंगेले जब वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर किसी और की नेम प्लेट लगी हुई है और ताले भी बदले हुए हैं। इस पर ऋतु गंगेले गुलाबी गैंग के जिला कमांडर हाजरा रब के साथ नवाबाद थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से बताई। नवाबाद थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऋतु गंगेले के घर को कब्जा मुक्त कराया और सामान वापस कराया, लेकिन चुनावी व्यवस्था कारण पुलिस मुकदमा नहीं लग सकी। अपने मकान का कब्जा पाकर ऋतु गंगेले और हजरा रब ने नवाबाद पुलिस और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। चुनाव सम्पन्न होने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। मैं शादी में गई हुई थी, मेरे मकान में कब्जा, मेरे मकान में आसिफ साहू आया, उसने रात में ताला तोड़ा, सामान ले गया और मेरी नेम प्लेट हटा के उसने अपनी नेम प्लेट लगाई और हमारा पूरा सामान ले गया यहाँ से, और उसने कब्जा किया और उसने कहा कि ये मकान मेरा है, और बल्कि उसका मीटर भी मेरा लगा हुआ था और उसने गलत कब्जा करके मेरे सामान को चोरी किया। और यहाँ की स्थानीय पुलिस ने मेरा साथ दिया और गुलाबी गैंग की हाजरा बैगम है, उन्होंने मेरा साथ दिया और स्थानीय लोगों ने मेरा साथ दिया और यूपी पुलिस का धन्यवाद, उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाया। झांसी के टहरौली से एक मामला ऐसा सामने आया जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं टहरौली क्षेत्र की, जहाँ योगी सरकार ने भी हाल ही के कुछ दिन पहले पुलिस की सुविधा के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी थाने में डायरेक्ट 112 पर भेजी थी, लेकिन इसके उलट डायरेक्ट 112 में बैठी पुलिस अब अपनी स्कॉर्पियो का रौब दिखाती नजर आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले की। जाकर शाकिर इस्माइल निवासी टहरौली ने पुलिस क्षेत्राधिकारी टहरौली को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वो अपने मालिक सद्दाम साबिक के मकान में अपनी दो पालतू भैंसों को लेकर 22 मई को 10 बजे टहरौली आया था, जहां पर डायरेक्ट 112 पुलिस ने रोककर प्रार्थी से 1000 रुपये देने को कहा। तब प्रार्थी ने कहा कि किस बात के रुपए, तो डायरेक्ट 112 नंबर वाली गाड़ी। पुलिस ने प्रार्थी को गाड़ी से उतारकर अपने डंडों से मारपीट की तो प्रार्थी जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी तीनों ने एक होकर जमकर मारपीट की जिससे प्रार्थी काफी घबरा गया। प्रार्थी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी टहरौली को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और कार्रवाई न्याय देने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे महाराजगंज, जनसभा स्थल सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा हमारे देश के चारों ओर की सीमाएं अगर असुरक्षित थी तो कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस की अतीत की गलती, कांग्रेस के शहजादे उनके पांचवी पीढ़ी के परदाता नेहरू की गलती की वजह से 1,00,000 एकड़ से अधिक जमीन चीन के पास है, जिसकी वजह से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पर रहा। विकास दिखता बाजार में, गुंडे दिखते जेल, जनसभा में उमड़ी जनता की भीड़ को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि पंकज चौधरी के लिए मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा उन्हें मतदान कर संसद तक पहुंचाएं।
धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही जब भक्षक बन जाएं तब स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठना तो लाजमी है। जी हां, बांदा के जिला अस्पताल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीज के दम तोड़ने के बाद भी डॉक्टर ने लगभग 2500 रुपए की जांचें लिख डाली। बांदा के बदौसा इलाके से एक बुजुर्ग को अचानक तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसके अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। मौत के लगभग 15 से 20 मिनट बाद डॉक्टर अभिनव ने परिजनों से जांच कराने का हवाला देकर पर्चे में कई जांचें लिख डाली। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद भी कमीशन के चक्कर में बाहर से बड़ी बड़ी महंगी जांच कराने को लिखा गया। जब इस बात को लेकर परिजनों ने हंगामा किया, तब आनन-फानन में डॉक्टर ने शव परिजनों को सौंपते हुए एम्बुलेंस की सहायता से घर भिजवाया। पीड़ित परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराते हुए डॉक्टर अभिनव पर कार्रवाई की मांग की है। जैसा मरीज तो जा चुका था, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा मरीज सीरियस था और मर गया, तो उसके बाद जांच और दवाइयां फिर बाहर भी लिखी थी, तो उन्होंने संबंध में जांच कमेटी बताई है, तो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। जो भी मामला दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार डिवाइडर को तोड़कर खाई में पलटी। हादसे में 2 महिलाएं समेत 7 लोग घायल। डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला। पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़, 25,000 का नामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। 5 जनपदों में 2 दर्जन से ज्यादा अरविंद पाल पर मुकदमे दर्ज है। 30 अप्रैल को बलेरो से अशोक चौहान नाम के शिक्षक की हत्या में मुख्य आरोपी था वांछित। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली क्षेत्र के रूपपुर भरतपुर ईसन नदी पुल के पास। देखिए, ये आज एक अरविंद पाल था जो अशोक चौहान जिनका एक्सीडेंट करके बोलेरो से हत्या की गई थी 30 अप्रैल में, उसमें ये नाम प्रकाश में आया था। 4 अपराधी इसमें शामिल थे, जिसमें अरविंद पाल जो गाड़ी चला रहा था और जो मुख्य अभियुक्त था इसका, इसके संबंध में सूचना मिली थी। ये 25,000 का इसको इनाम भी घोषित किया गया था। और 2 अपराधी इसमें पहले मनीष पाल और अनुज डांगर जो बर्खास्त सिपाही था, इसको 16 तारीख में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। सुल्तानपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर की बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 400 पार का नारा दिया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां लोगों के समक्ष रखी। मंच से संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव राम भक्त और राम विद्रोही के बीच है। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, इन सबके उत्थान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो रामद्रोही षड्यंत्र में लगे हैं। उन्होंने कहा, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा भारत आप दुनिया में जिसका सम्मान है, सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करता है। अब समय नहीं याद करिए, कांग्रेस के समय में सीमा से आतंकवादी घुसते थे, सरकार मौन रहती थी। अयोध्या में हमारे रामलला के पावन जन्मभूमि पर हमला, सभी लोग सुल्तान को तैयार है करेंगे, यहाँ से कमल फैलाने का काम करेंगे। मेनका जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगी। जीत तो पक्की है, लेकिन जीत भी रिकॉर्ड में हो करेंगे। सभी लोग सहमत है, इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। करेंगे जो बात है बोलूंगा, सभी लोग करेंगे। पहला, कल और परसों 2 दिन आपको जनसंपर्क के लिए मिलना है। तो बहनों भाइयों, इन 10 जिलों में हरेक जितने लोग यहाँ पे आए हैं, गोरखपुर में जहाँ एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कार्य करती है और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन अगर कानून का पालन कराने वाले खुद कानून से हटकर काम करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आते हैं। मामला गिड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नौशहर का है। वहां की रहने वाली बीनू देवी ने नौशहर चौकी प्रभारी अरुण सिंह पर थप्पड़ मारने से कान का पर्दा फटने, गाली गलौज करने, दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। बीनू देवी ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, पति कमाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं, चाय की दुकान लगाकर वो बच्चों का भरण पोषण करती है। उनकी एक 14 साल की नाबालिग बच्ची है। उनकी बेटी को उनके गांव के रहने वाले एक लड़के से मेलजोल था, जिसके कुछ दिन पहले ही पुलिस लड़के को चौकी पर लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने उनको सूचना दी। जब वो चौकी पर पहुंची तो लड़के के परिजन मेरे हाथ पैर जोड़कर मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि आज के बाद मेरा लड़का कोई गलती नहीं करेगा। जिसके बाद चौकी प्रभारी ने पीड़ित महिला को ही थप्पड़ जड़ दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की बात कही जा रही है। जो 14 वर्ष की है, उसके एक लड़के से मेल जोल था, वो एक लड़के से मेल जोल था, तो मैं देखी तो उस लड़के को बुला के समझाई तो बोला कि आंटी ऐसा काम हम नहीं करेंगे दोबारा। उसके बाद 15 दिन के बाद वही काम वो बुलाया उसको, फिर मैंने पकड़ ली। उसके बाद गई थाने पे, चौकी पे गई तो
वहाँ पर अरुण सिंह थे, उनसे बोले सर ऐसा बात है, तो कहें कि उसको पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आके यहाँ पे चौकी पे किए, तो उन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद एप्लीकेशन बोले लिखने के लिए, तो हम जितना भाषा सब बताएं तो बोले कि ऐसे नहीं एप्लीकेशन लिखा जाता है, हमारे तौर से लिखो। महोबा में खेलते समय कुएं में गिरा मासूम 7 वर्षीय प्रिंस की कुएं में डूबने से मौत, ग्रामीणों ने बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। कबरी थाना क्षेत्र के ऊंटिया गांव का ये पूरा मामला। कानपुर में भीषण गर्मी से सूखने लगी गंगा, शहर के घाटों से 200 मीटर दूर हुई गंगा, अगर अब जलस्तर और घटा तो हो सकता है शहरवासियों को पानी का संकट। आपको बता दें कि कानपुर में बढ़ती गर्मी ने अपना कहर दिखाया है, जिसका असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर भी देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी की वजह से कानपुर में गंगा नदी एकदम सूखती जा रही है। अब आधा फीट भी गंगा के जलस्तर में गिरावट हुई तो कानपुर शहर की आबादी को पीने के पानी का संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं गंगा का जलस्तर अपने न्यूनतम बिंदु तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कानपुर के भैरवघाट का पंपिंग स्टेशन भी बार बार बंद हो रहा है। रविवार शाम को गंगा का जलस्तर घटकर 355.4 फीट ही रहा। गंगा के जलस्तर में आधा फीट की ओर गिरावट होने पर शहर की 20 लाख से ज्यादा आबादी को जलापूर्ति के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो जो हमें समस्या अभी जो हम लोगों को सामने देखने को मिल रही है वो राव वाटर भैरव घाट पे मिल रही है, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर ही जो है अमृत योजना में एक लाइन डाली गई थी गंगा बैराज से सीधे भैरव घाट पे, कि यहाँ पे जल स्तर जब कम हो तो वहाँ से पानी ले लिया जाए, तो हमने उसको जो है चालू करा दिया है। प्लस इसके अतिरिक्त हम हर साल जो है जब जल स्तर डाउन होने लगता है तो हम वहाँ पे एक 200 मीटर का लगभग जो है एक अस्थाई जो है बंधे का निर्माण कराते हैं, तो वो भी हमारा बंधा पूर्ण हो गया है। तो जो दिक्कतें मोटर की आई थी कि पानी नहीं उठा रहा था, तो वो टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, और वहाँ पे हमने जो है ड्रेजिंग के माध्यम से वहाँ भी उसको स्थल खाली कराया, तो अभी हमारा मतलब जो है कच्चे जल की कोई समस्या नहीं है और हमारी रूटीन में जो जलापूर्ति होती है वो हम लोग कर रहे हैं। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने खुदकुशी कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल थाना रायपुरवा पुलिस को सूचना मिली कि राखी मंडी स्थित एक पुरुष जिसका नाम शंकर साहू, उसका शव उनकी झोपड़ी में मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची, क्या कारण है खुदकुशी करने के इसके जाँच किए जा रहे हैं। रायपुरवा क्षेत्र में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक शंकर साहू पुत्र इंद्र कुमार साहू निवासी अमेठी, जो यहाँ राखी मंडी में झोपड़ी में रहते थे, अपनी झोपड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर थाना रायपुरवा की पुलिस ने मौके पर पहुँच के FSL टीम को बुलवाने के उपरांत पंचायतनामा की कार्रवाई संपन्न कराई है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस की चेकिंग के दौरान फर्जी और कूट रचित पंजीकरण लेकर चल रही यात्रियों की शिकायत पर एक ही दिन में कोतवाली रुद्रप्रयाग पर दर्ज 9 मुकदमे किए गए। जनपद रुद्रप्रयाग में प्रचलित श्री केदारनाथ धाम यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु और यात्री वाहन आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर आज तक यानी कि मात्र 12 दिनों में ही 3.5 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जबकि केदारनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर रुकने की एक निश्चित क्षमता है और जनपद में स्थित पार्किंगों की भी एक निश्चित क्षमता है। सबसे बड़ी बात कि सीतापुर और सोनप्रयाग स्थित पार्किंग में किसी वाहन की एंट्री हो जाने के बाद वाहन 3 दिन तक पार्किंग में ही रहता है। पार्किंग की एक निश्चित क्षमता होने और उसकी निकासी काफी कम होने और बाहर से अत्यधिक संख्या में वाहनों के आने से यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो रहा है। संबंध में स्थानीय प्रशासन पुलिस के स्तर से समय समय पर जानकारी साझा करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं से अपना पंजीकरण के उपरांत ही यात्रा पर आने की अपील की जा रही है। पुलिस के स्तर से बिना पंजीकरण और बाद में तिथि के पंजीकरण वाले यात्रियों वाहनों की चेकिंग निरंतर की जा रही है। पुलिस के स्तर से की जा रही चेकिंग की मॉनिटरिंग खुद पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के स्तर से भी की जा रही है। देखिए केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियाँ दिखी है जिसमें जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था यात्रा मार्ग पर रवाना हो गया है। जत्थे को उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो क्षण है ना, इतना सौभाग्यशाली क्षण है, सच कहूं तो ये दिव्यता भव्यता से भरा हुआ क्षण है। आज मानवता के रूप के अंदर भी, ऋषिकेश में,
गुरुद्वारा साहब से आज जो जत्था है, पहला जत्था है, वो रवाना हो रहा है और ये पंच प्यारों के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आज जत्थे को पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर रवाना किया है। ये अत्यंत सौभाग्य है पूरे परिवार का, ये अत्यंत सौभाग्य है उत्तराखंड का कि आज ये दिन इतने त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह और इतनी खुशियों से मनाया। आगरा में फरीदाबाद की कंपनी में नकली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बनाकर बेची जा रही थी। कंपनी के सीईओ ने पुलिस के साथ बालूगंज में शोरूम में छापेमारी की। मौके से 7 स्कूटी बरामद हुई। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद की स्कूटी बनाने वाली कंपनी के सीईओ रितेश बंसल ने बताया कि उन्हें पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आगरा में उनकी कंपनी के नाम से स्कूटी बेची जा रही है। उनकी कंपनी का नाम और लोगो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, लेकिन आगरा में बालूगंज में चावला और सन्स में नकली लोगो और कंपनी के नाम के स्टीकर बनाकर स्कूटी पर लगाकर बेची जा रही थी। कंपनी की कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। मोटर नंबर, चेसिंग नंबर भी कंपनी की सीरीज से मेल नहीं खाते थे। सूचना मिली थी कि यहाँ पे बालूगंज में चावला एंड सन्स में हमारे ब्रांड का डुप्लीकेट स्कूटर बना के बेचा जा रहा है। इसके लिए हमने पुलिस बल के सहयोग से आज उनके यहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर 7 डुप्लीकेट स्कूटी पकड़ी हैं, जिसमें कि कंपनी का नाम, लोगो और प्रोडक्ट का नाम, तीनों चीज़ों का डुप्लीकेसी के तहत यूज़ हो रहा था। कंपनी का ये लोगो, नाम दोनों ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है कंपनी के नाम से, तो ये गैरकानूनी कृत्य हो रहा था। और इस पौड़ी जिले के बेजोरा क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तेज़ बारिश से लोगों के खेतों में पानी चला गया। तेज़ बहाव की वजह से पूरी तरह से जनहानि हुई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से स्टेट हाईवे 32 भी बारिश के कारण 30 मीटर सड़क आउट हो गई है। बारिश से बेजरो क्षेत्र के कुंजोली, गुड़ियाखिल, फरसवाड़ी और खुसई गांव में तेज़ बारिश से नुकसान का आंकलन करने के लिए पौड़ी से स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम अन्य टीमों के साथ रवाना हुई है। आज एक घटना हुई है सर, कुछ नुकसान की खबर भी आ रही है सर, क्या कुछ ये सूचना मिली है सर आप लोगों को? आज अचानक से जो अतिवृष्टि हुई है बैजरों के आसपास के इलाके में, तो 4 गांवों में कुछ क्षतियों की सूचना है। यहाँ पे जो हमारा स्टेट हाईवे है 32, उसके किलोमीटर 10-11 में भी 30 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बह गया है। तो इस संबंध में SDM को, XCN, PWD, साथ ही जो आपके UPCL के XCN है, जल संस्थान, और CMO और DSO को निर्देशित किया गया और तत्काल इसमें जो भी राहत संबंधी कार्रवाई की जानी है उस पूरे इलाके में वो करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। और अभी तक किसी भी किस्म की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कुछ सामान्य क्षतियाँ हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी टीमों को यहाँ से सर भेजा गया होगा मौके के लिए? यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और SDM भी अपने साथ में FGI और दूसरे लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थिति में नॉर्मल सी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। नगर पालिका कर्मचारी ठेकेदार के बीच नोकझोंक। नगर पालिका निलंबित कर्मचारी की दबंगई आई सामने। नगर पालिका कर्मचारी ठेकेदार के बीच नोकझोंक की तस्वीर सामने आई। पालिका परिसर में दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई है। सड़क बनाने को लेकर हुई गाली गलौज, झड़प, गाली गलौज और नोकझोंक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा पुलिस ने कर्मचारी की हत्या का किया खुलासा। उधारी के पैसे मांगने पर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखकर आरोपी ने रची हत्या की साजिश। नहर में डूबा आरोपी ने कर्मचारियों की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया। अमरोहा पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने खुलासा किया। थाना धनोर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नहर में हमारे यहाँ एक मृतक का शव मिला था, जिनका नाम जय प्रकाश गौड़ था, जो टाटा स्टील में नौकरी करते थे। इनका शव मिला था, इसके बाद इनका PM कराया गया था और एक ही बहुत ही खुफिया तरीके से और एक सातिराना अंदाज से एक घटना को दिखाते हुए और मृत्यु कारित की गई थी, हत्या की गई थी। इसका पुलिस ने एक सफल अनावरण किया है। पुलिस का एक ग्राउंड वर्क और एक अच्छे निशादेही और साक्ष्यों को संकलन की एक अच्छी कार्रवाई का नमूना है ये विवेचना। इसमें हमारी थाना प्रभारी श्रावस्ती में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार धारा 370 का विरोध कर रही है। यूपी के शहजादे को पुराना गुंडा राज चाहिए। यूपी में भाजपा सरकार ने माफियाओं गुंडों का सफाया किया। मोदी पहले की सरकारों में सड़क बनाने से पहले ही भुगतान हो जाता था। माफिया गुंडों को भाजपा सरकार ने खात्मा कर दिया। देश में कानून का राज स्थापित किया। मोदी इंडिया अलायंस कैंसर की बड़ी बीमारी है। ये लोग सांप्रदायिक हैं, ये लोग जातिवादी हैं, ये लोग परिवारवादी हैं। लोग तीनों बीमारियां कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये
नई नई स्कीम लेकर आए हैं। इनके कुछ नेता आपकी संपत्ति की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मोदी कहता है संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। तप्ती मई में आजकल राजनीतिक पारा भी अपने चरम पर है। 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 6वें और 7वें चरण के आम चुनावों में अब ज्यादा दिन नहीं है। नेता लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन कर रहे हैं और उनसे तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार नेता अपनी विपक्षियों को घेरने का काम कर रहे हैं। सूबे के मुखिया और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने फिर जिले में राजनीतिक पारे को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने तुलसीपुर के वसंत लाल इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनसभा में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों पर न केवल निशाना साधा बल्कि प्रदेश के माफियाओं को एक कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मन से कहा अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो ये आपकी पैतृक संपत्ति जब्त करने का काम करेंगे। विरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर वसूल कर इंडी गठबंधन के लोग पाप करने का काम करेंगे। उन्होंने चुनावों में औरंगजेब की बात करते हुए कहा कि अयोध्या मथुरा काशी को तोड़ने वाले जिस औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उसी के रास्ते पर कांग्रेस और सपा चल रही। 5 चरणों का चुनाव हो गया है और 5 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में भी 53 सीटों पर 80 में से 53 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है हर व्यक्ति पहले से निश्चिंत है। दुनिया भी देश भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कामरूप से लेकर के कच्छ तक पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प है, एक ही स्वर सुनाई देता है और वह है कि फिर एक बार। बच्चे सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम भिसाई के पास हादसा हुआ। सभी घायल आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ग्राम इस्लामिया में तेरई करके वापस लौट रहे थे। ये पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर स्थित ग्राम भिसोई की बताई जा रही है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के कधाईखेड़ा गांव में मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की जिसमें पीड़ित परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी दबंगों ने हमला कर दिया। इसमें पुलिस ने 2 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामूली सी बात पर शुरू हुआ बवाल मारपीट में बदल गया जिसमें कई लोगों के सर खुई फूटे हैं। महिलाओं और लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीआरवी पर भी दबंगों ने हमला कर दिया और यहाँ भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो भी आरोपी उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पुलिस कर रही है। मेरे पापा रास्ते से जा रहे थे तो तुरंत मेरे चाची और मतलब 2 चाची हैं उन दोनों लोगों ने चाची लोगों ने पकड़ के मेरे पापा को मारने लगे। मेरे पापा छुटाने गए तो तुरंत 3 चाचू और 1 लोग और रहते हैं भाई जी, वो 3 लोगों 4-5 लोगों ने मिलकर मेरे पापा को और मेरे भैया को बहुत मारा। और जब हम गए वहां पे हम घर पे खाना बना रहे थे, जब हम वहां पे पहुंचे थे मेरे पापा भी बहुत पड़े थे और मेरे भैया का सिर पटा था। तब मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब तक पहुंची तब तक बहुत ज्यादा मार चुके थे और 3-4 लोग फरार हो गए, 2 लोग घर पे मिले थे, बाकी सब लोग भाग गए। कानपुर ग्रीन पार्क में खड़ी गाड़ी में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर पाती आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि गाड़ी के अंदर एक लगभग 40 साल की युवक की शव है। पता जब चला जब वहां गाड़ी खड़ी थी उसके पास ही जियो कंपनी का टावर लगा हुआ था जिसकी बैटरी बदलने इंजीनियर आया था। उसको बदबू आने के कारण उसने टावर के बगल में खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो उसने गाड़ी में झांक कर देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए और फौरन उसने पुलिस को सूचना दी। गाड़ी मिली है, किसकी गाड़ी है? गाड़ी मेरी है। ये कौन सी गाड़ी है? फोर्ड फीगो। कैसे जानकारी दी? हमारे मोहल्ले के लोगों ने सूचित किया। क्या बताया था? कि आप मेरे पास फोन आया कि आपकी गाड़ी में कोई डेड बॉडी देखी है। कितने बजे सूचना मिली? अभी थोड़ी देर पहले। कब से खड़ी है गाड़ी? गाड़ी 10-12 दिनों से। यहाँ नहीं चलने की अभी इसमें? अभी नहीं क्योंकि हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ हार्ट का, उनके स्टेंट्स पड़े हैं, हम उसमें बिजी हैं क्योंकि घर में इकलौते हम ही करने वाले हैं, हम उसी दौड़ भाग में लगे हैं। तब से गाड़ी खड़ी हुई ना चलाई है क्योंकि रोड से निकलते थे एक बार नजर मार लेते हैं, बाकी बस अभी देखी नहीं। क्या बत्ती वगैरह लगी थी? वही लोगों ने बताया आपको? सूचित किया कि पुरानी लगी बत्ती आ रही है। जी सूचित किया कि अभी बैटरी बदलने आए थे इसके तो उन्होंने बदबू लगी उनको तो उन्होंने सूचित किया तो मेरे पास सब हो गई। सर लॉक नहीं है क्या? गाड़ी का लॉक खराब है। ये आज पुलिस को सूचना मिली कि परमट रोड पे एक कार के अंदर एक डेड बॉडी है।
इस सूचना तत्काल पुलिस मौके पर आई हुई है और जो छानबीन की गई तो मालूम हुआ है कि एक उषा जी नाम की महिला है, उनकी एक गाड़ी है, उनका घर यहीं पास में है, तो ये गाड़ी यहीं खड़ी होती थी, पड़े यहाँ खड़ी होती थी, क्योंकि उनके पति 10 दिन से बीमार हैं, तो उनका बेटा इस गाड़ी को लेने गया है और वहीं उसी में एक डेड बॉडी है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और आगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। देर रात सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर पेड़ से टकरा गई। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना गुरबंश का बताया जा रहा है, जहाँ का ये निवासी है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे पर यह घटना घटी। एसके सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक केस लाया गया था, जो कि डिग्री कॉलेज में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस कांस्टेबल आए थे, बताए थे, जिसका नाम है, मरीज का नाम है मनीष लोधी, लोधी है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है। काफ़ी सीरियस है, हेड इंजरी है, उसके दाहिने अपर लिम में क्रश इंजरी है, जिसको से काफ़ी सीरियस है। फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया गया। हो सके मैं भी, हमारे कंसल्टेंट आ रहे हैं, उसको रेफर कर दें, काफ़ी सीरियस है। ये अटोरा बुजुर्ग का रहने वाला है। ये जो एक्सीडेंट हुआ कोतवाली के अंदर आता, जो डिग्री कॉलेज चौराहा पड़ता, वहीं पर हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।